दिस इज सृष्टि मिश्रा वेलकमिंग यू ऑल एट योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म परफेक्ट लर्निंग क्लब। फ्रेंड्स, हमने जो इसके पहले अपना वीडियो अपलोड किया था वो थोड़ा काफ़ी गैपिंग हो गई है उसमें, ये वीडियो और लास्ट वीडियो के बीच में थोड़ी काफ़ी गैपिंग हो गई है, वो एक्चुअली इस वजह से हुई है, थोड़े कुछ इशू आ गए थे, लेकिन अब हमारे जो वीडियोस होंगे वो कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था ना, तो उसमें गॉस लॉ वगैरह सब कुछ चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर टू। उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी और उससे गॉस लॉ पढ़ा, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस पढ़े। अब हम थोड़ा इससे एक स्टेप आगे मूव ऑन करेंगे। हम पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैपेसिटेंस में जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम अपना आज का न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर टू शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है कि हमारे चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जो अगर कोई दो पॉइंट हमने ले लिए, मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी, तो जो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट में कोई चार्ज लेके आ रहे हैं, कि कोई चार्ज हमने लिया पॉजिटिव यूनिट चार्ज लिया, उसको हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो जो हमारा वर्क डन हुआ, हम ए से लेके कोई चार्ज को बी तक आ रहे हैं, तो हमने कुछ तो काम किया होगा ना। वही जो हमारा काम है ए से बी तक लेके आने में, जो हम वर्क डन कर रहे हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने शॉर्ट में पीडी लिख दिया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो हम निकाल रहे हैं उसकी चारों तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो काम हम कर रहे हैं इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कि अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमने कोई बी पॉइंट ले लिया, और इसके चारों तरफ मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो हमारा जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई चार्ज ले लिया प्लस क्यू ले लिया, ठीक है, इसको हमें ए से बी तक लाने के लिए जो वर्क डन हमें जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? वोल्ट होती है। अब तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब होता है, बात आती है कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे ये है, सेम टू सेम यही है, ठीक है, बस उसमें डिफरेंस क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यहाँ पे हमने जो वर्क डन निकाला वो दो पॉइंट्स के बीच में निकाला, ठीक है ना, और वहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो हम वर्क डन निकालते हैं वो क्या निकालते हैं कि इन्फिनिटी से कोई चार्ज हम लेके आते हैं किसी पॉइंट पे, मतलब इन्फिनिटी से कोई चार्ज हम किसी पॉइंट पे लेके आते हैं, तो वो हमारा हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बिटवीन द पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, ऐसे ही पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये हमने क्या कहा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज moving from infinity to a point against electrostatic force।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कि क्या होता है कि मान लीजिए हम, ये हमारी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट ए है, यहाँ से हम कोई चार्ज लेके आ रहे हैं पॉइंट ए पे, मतलब यहाँ से कोई इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, यहाँ से इन्फिनिटी से पॉइंट ए में लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो यहाँ मैंने लिखी अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग, है ना, यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, तो दो पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर हो गया कि पहला हमने पढ़ा कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि हम दो पॉइंट लेते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करते हैं एक पॉइंट से दूसरे प्लेस पे ले, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं, तो जितना हम वर्क डन करते हैं उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो वोल्ट, ठीक है, इसकी भी एसआई यूनिट वोल्ट ही होती है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके एक पॉइंट पे लेके, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आते हैं, तो जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे आने के लिए वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब हमने जितना वर्क डन किया एक चार्ज को लेके आने में इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे, वही चीज़ हमारी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब अब हम एक प्रूविंग पे आ रहे हैं जिसका टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट की वजह से, मान लो यहाँ हमारा कोई पॉइंट है इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, अब हम ये चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। तो सपोज कर लेते हमने कोई एक चार्ज क्यू ले लिया और P डिस्टेंस पे रखा जहाँ से उसके डिस्टेंस है R, मान लो ये कोई हमने O पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, तो इसकी डिस्टेंस हो गई R। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े तो दो पॉइंट हमने ले लिया, एक A ले लिया एक B ले लिया, मान लो हम कोई किसी चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B और इधर साइड फोर्स लग रहा है और अप टू इन्फिनिटी तक हो रहा है, ठीक है, और O से A की डिस्टेंस कितनी है x है, तो सिंस हम जानते हैं कि पहले लिख लेते हैं, सपोज दैट अ चार्ज q, प्लेस्ड एट पॉइंट O, पॉइंट O एंड अ पॉइंट P placed at a distance of r, ये देखिए p जो है r distance पे है ना, at a distance of small r from O, O से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जो कि हमारा q रखा हुआ है, ठीक है। अब ले लेते हैं एंड ऑल्सो लेट अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ x, at a distance of x फ्रॉम O, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि जो हमारा P पॉइंट है वो R डिस्टेंस पे रखा हुआ है और जो हमारा A पॉइंट है वो X डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब हम क्या जानते हैं कि सिंस वी नो दैट, ये हमारा प्रूफ यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, ये हमारा प्रूफ यहाँ से स्टार्ट है, तो सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं
जो हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि ठीक है मैं इसको रब कर दे रही हूँ यहाँ पे, इतना तो हमने लिख लिया होगा। ठीक है, जो हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0Q1Q2/r2। तो यहाँ पे जो हमारा एक हमने एक टेस्टिंग चार्ज लिया है जिसको हमने क्यू नॉट माना है, मतलब क्यू जीरो ले लिया है, और हमने एक चार्ज ले लिया है क्यू, ठीक है ना। तो since from the Coulomb's law we have हमारे पास क्या है कूलॉम्स लॉ की वैल्यू कि f इज इक्वल टू 1/4πε0Q Q0/r2। अच्छा ठीक है ना, यहाँ पे हमने ले लिया क्यू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। अब हमने जब यहाँ पे फिगर बनाया था तो हमने देखा था कि ए और ओ की डिस्टेंस मतलब कि कितनी थी, एक्स थी। तो मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स हो जाएगी ना, तो हम आर को रिप्लेस कर देंगे एक्स से। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे आर जो है हमारा वो रिप्लेस बाई एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसको इक्वेशन वन बना लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी जब हम आर की जगह रख देंगे हम एक्स को, तो एफ इज इक्वल टू 1/4πε0Q Q0/x2। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन टू। अच्छा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एक और लिखते हैं, सिंस वी नो दैट एफ इज इक्वल टू डी डब्ल्यू की वैल्यू, मतलब जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हम लोअर क्लासेस से पढ़ते, नाइन्थ से ही पढ़ते चले आ रहे, आई थिंक एट्थ में भी रहता है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स। ये होता है हमारा वेक्टर का होता है, और इसके पहले हो गया ना, इसको मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, इसके पहले जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब हम वेक्टर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर्स का, तो उसमें हम जब इसको हटाते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं, वेक्टर को हटाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा है ये कॉस थीटा में ब्रेक डाउन हो जाता है, और जब हमारा वही डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो वो हमारा साइन थीटा में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, एफ डी एक्स कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे जो डी एक्स हमने लिया, वैसे यूजुअली जो फॉर्मूला होता है, जनरली जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, अच्छा एफ आर कॉस थीटा, लेकिन हम डी डब्ल्यू निकाल रहे हैं इसलिए एफ डी आर कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स इसलिए हो गया क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि एक्स को आर को हम एक्स से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू डी आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे हियर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लेंगे। जो हमने डायग्राम बनाया था तो आपने देखा होगा कि ये जो हमारी सीधी लाइन थी, मतलब जो हमारा चार्ज है वो एक पॉइंट से जब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आ रहा है तो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो इक्वेशन थ्री इसको मान लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज 180 डिग्री इन इक्वेशन थ्री वी गेट, क्या मिलेगा बताइए, मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये हो जाएगा हमारा एफ इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमारी क्वेश्चन मान लीजिए बन जाती है क्वेश्चन नंबर फोर। चलिए, अब क्या होता है, अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है। हम पिछले जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि किसी भी चीज़ का टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट में। तो ऐसे इसमें हम वर्क डन जब निकाल रहे हैं तो ये डी डब्ल्यू है, मतलब ये हमारा छोटा सा वर्क डन है। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो लिखेंगे फॉर टोटल वर्क डन
फॉर टोटल वर्क डन वी हैव. टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन फोर्थ. हाँ रब कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ ना आगे, ठीक है. नाउ वी विल इंटीग्रेट इक्वेशन फोर फॉर द टोटल वर्क डन. लिखेंगे फॉर टोटल वर्क डन, फॉर टोटल वर्क डन, वर्क डन वी विल इंटीग्रेट, वी विल इंटीग्रेट इक्वेशन फोर फॉर टोटल वर्क डन वी विल इंटीग्रेट इक्वेशन फोर, ठीक है. तो हम जब इक्वेशन फोर को इंटीग्रेट कर देंगे, इक्वेशन फोर क्या है, डी डब्ल्यू है ना, इसको इंटीग्रेट करो. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, ऑफ माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो एफ डॉट डी एक्स. जब इक्वेशन फोर को हमने लिया था डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का एफ डॉट डी एक्स, अब हम क्या करेंगे, फॉर द टोटल वर्क डन वी विल इंटीग्रेट इक्वेशन फोर, ठीक है ना. अब हम इक्वेशन फोर को इंटीग्रेट कर देंगे, तो वही मैंने लिखा, फॉर टोटल वर्क डन वी विल इंटीग्रेट इक्वेशन फोर, ठीक है. अच्छा डी डब्ल्यू का जब इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा. सिंस लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी कूलॉम्स लॉ की, वहाँ पे हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी ना, वही फोर्स की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ, वी हैव द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, फोर्स एफ, ये इक्वेशन फाइव है, चलो इसको हम से कुछ बना लेते हैं, ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव वैल्यू ऑफ एफ, पुट द वैल्यू ऑफ एफ, पुट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सिक्स, इनटू इक्वेशन सिक्स. समझ में आया ना. हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने कूलॉम्स लॉ के फोर्स की वैल्यू निकाल ली, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर. और हमने एक्स स्क्वायर किस लिए रखा, क्योंकि होता तो यूजुअली आर स्क्वायर, तो वो आर क्या होती है, डिस्टेंस होती है. तो हमने जो ओ पॉइंट से ए पॉइंट पे हमने सॉरी डिस्टेंस ली थी, वो थी हमारी एक्स की, तो इस वजह से हमने वहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दिया था. अब हम जानते हैं कि हमारा जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, तो डी डब्ल्यू निकालेंगे तो एफ इनटू डी एक्स हो जाता है, ठीक है. अब स्मॉल वर्क डन हमारा क्या निकल गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स निकल गया, ये डॉट प्रोडक्ट में निकला. और हम जानते हैं कि हम डॉट प्रोडक्ट को जब हम इसको ब्रेक करते हैं, तो जो हमारा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉस थीटा में ब्रेक हो जाता है, और जो साइन थीटा में जो ब्रेक होता है वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, वो जो हमारी इक्वेशन फोर बनी थी उसको हमने इस यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया. तो हमने दोनों साइड इंटीग्रेट किया, हाँ, जो हमारा एफ डी आर एफ डी एक्स कॉस थीटा था, वहाँ पे हमने कॉस 180 डिग्री लिया, क्योंकि जब हम चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से वन पॉइंट पे, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इन्फिनिटी से जब हम ए पॉइंट पे या फिर इधर, हाँ इन्फिनिटी से जब हम ए पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो हमारे एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है. तो ये एफ डी आर कॉस 180 डिग्री हो गया, ठीक है. और हम जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस ऑफ 1 होती है, तो हमने यहाँ पे माइनस ऑफ वन लिखा, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ डॉट डी एक्स आ गई, ठीक है. अब हमने इसको इंटीग्रेट किया, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स आ गया. और हमने फर्स्ट इक्वेशन में एफ की वैल्यू क्या लिखी थी, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वही वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू उठा के इक्वेशन सिक्स में रख देंगे, ठीक है. तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या निकलेगा, माइनस ऑफ एफ की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स निकलेगा. और हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगाएंगे, तो ये लिमिट जाएगी इन्फिनिटी टू स्मॉल आर जाएगी ये लिमिट, ठीक है. अब
अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और क्या। तो W इज इक्वल टू एक है 1/4 pi epsilon, ये हमारा कांस्टेंट है। क्यों क्यों नॉट भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में ना, तो हम जो x वाली क्वांटिटी होती है उसको इंटीग्रेशन के इनसाइड लिखते हैं, ठीक है ना। तो माइनस इन्फिनिटी ये हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 pi epsilon naught, ठीक। ये इन्फिनिटी से r हो गया, dx अपॉन सॉरी x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो w इज इक्वल टू माइनस का क्यू क्यू नॉट सॉरी 4 pi epsilon naught, ये हो जाएगा माइनस का 1/x, क्योंकि जो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², ये हो जाता है माइनस का 1/x, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम इसको करना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 इंटू dx, ठीक। जब और हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कि किसी भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि x की पावर n+1/n+1, ठीक है ना। चलिए, जो बच्चे मैथ्स के हैं वो तो जानते हैं, लेकिन बायोलॉजी वालों को ये थोड़ा कम पता होता है ना, तो इस वजह से मैंने इसका पूरा बेसिक लिख दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n हो जाएगा x की पावर n+1/n+1, ठीक। हमने इसको 1/x² लिखा, dx लिखा, तो अगर हम x स्क्वायर को ऊपर लेके जाते हैं तो ये इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्स मतलब x की पावर -2 आ जाएगा। अब इसी -2 को यहाँ पे हम केवल 2 लेके नहीं चलेंगे, -2 लेके चलेंगे, इसी -2 को हम यहाँ पे n की जगह पुट कर देते हैं। देखिए x की पावर -2, ये हम इसके इक्वल टू लिख रहे हैं सॉरी -2+1/-2+1, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये x की पावर -2 ऑफ dx की वैल्यू क्या निकल के आई, ये निकल के आ गई सॉरी, ये इसकी हम ये हम इसके इक्वल में लिखें तो ये हो जाएगी x की पावर -1/-1। तो हम इसको क्या लिख देंगे, x की पावर -2 ऑफ dx इज इक्वल टू, ये हमारा माइनस का तो बाहर ले लिए, और ये जो 1/x है मैंने बताया था ये ऊपर चला जाता है तो इन्वर्स हो जाता है, ऊपर खुद ही इन्वर्स में है, जब नीचे आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू, है ना। यही वैल्यू हमने ये देखी, यही चीज़ तो लिखी है इसमें, है ना, ये चीज़ हो गया हमारा। अब हमने देखा तो ये हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू माइनस और माइनस, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/4 ये मैंने इन्फिनिटी से r, तो इसकी लिमिट लगाई नहीं है ना, ये इन्फिनिटी से r जाएगा, तो 1/4 pi epsilon naught क्यू क्यू नॉट अपॉन, हाँ ठीक है, क्यू क्यू नॉट, ठीक है। अब देखते हैं इसको, अब ये हो जाएगा जो हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम यही लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो 1/r सॉरी -1/∞, ठीक है। अब तो W इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 pi epsilon naught इंटू 1/r, यही हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, यही हमारा हो जाता है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन हो जाता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। चलिए अच्छा, अब ये तो हमारा वर्क डन निकल गया, और हमें निकालना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज हो जाएगी, यूनिट चार्ज होती है, टेस्टिंग चार्ज होती है, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अच्छा, मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है ना। तो v की वैल्यू क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, उसको हमने इक्वेशन, ये वाला जो रहा हमारा इक्वेशन जहाँ पे हमने w की वैल्यू निकाली, इसको हम इक्वेशन 7 बोल देते हैं। तो पुटिंग
द वैल्यू ऑफ, तो चल क्यों नहीं रही, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, इसको हम इक्वेशन 8 ले लेते हैं, ठीक है, डब्ल्यू फ्रॉम इक्वेशन 7 टू इक्वेशन 8, ठीक है, हमने क्या किया, इक्वेशन 7 से वैल्यू को उठा के इक्वेशन 8 में रख दिया, तो वी हैव W की वैल्यू क्या थी, 1/4 pi epsilon naught Q naught, ये चल मेरी है, Q naught upon R, और ये हमारा क्या है, नीचे 1/Q naught तो है ही, हमने Q naught से Q naught को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारी V की वैल्यू क्या निकल के आ गई, V इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q/R. दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज मतलब सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ गया, ठीक है ना। तो आज का वीडियो बस इतना ही, ये चीज़ आपको समझ में आई है ना कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, अब उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम एक चार्ज की वजह से कैसे निकालते हैं, तो ये तीन चीज़ हमने पढ़ी, और आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।